अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सबिया जावेद और आज की जो वीडियो फेशियल रिव्यू है, क्योंकि फेशियल हमारे स्पेशली विंटर सीजन के लिए है। ड्राई स्किन को काफी अच्छी तरीके से एक्सफोलिएट करके उसको ग्लो प्रोवाइड करता है, साथ ही हमारे फेस को ग्लोरियस बना देता है। अफोर्डेबल प्राइस में ये फेशियल हमको मिलता है। उनको काफी तलाश रहती है कि सर्दियों के सीजन में ऐसा फेशियल चाहिए जिससे उनकी स्किन पर ग्लो भी आ जाए, साथ ही स्किन एक्सफोलिएट होकर वो ब्राइट नजर आने लगे। ऑल स्किन टाइप पर सूट करता है। इसके अलावा टीनेजर्स भी इसका क्लीनअप ले सकते हैं। ये उनकी स्किन को भी काफी अच्छे से ग्लो प्रोवाइड करेगा और स्किन सॉफ्ट और स्मूथ बना देता है। और इसका फेशियल मैं पहले भी ले चुकी हूँ, तो मैंने सोचा आपसे भी इसका रिव्यू शेयर किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे बेनिफिट्स उठा सकें। और इतने कम और इतने अफोर्डेबल प्राइस में ये फेशियल हमें मिल जाता है, सर्दियों के लिए स्पेशली काफी अच्छा है। तो ये जो फेशियल है, ये गुड वाइब्स की रोजी फेशियल किट है, जो कि हमारी 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसकी कोई ऐसी प्रॉपर किट नहीं है कि ये आपको जैसे और फेशियल मिलते हैं तो वो किट में लगे हुए मिलते हैं, 5 से 6 स्टेप उनकी आती है। इसकी कोई ऐसी फेशियल किट नहीं है कि आपको एक ही किट में मिलेगा, ये आपको अलग से ही बाय करना पड़ेगा। इसके सारे प्रोडक्ट आपको अलग अलग से ही बाय करने पड़ेंगे। जिस तरीके से अलग अलग फेशियल किट मंगाकर इसको बाय की है और इसकी एक फेशियल किट तैयार की है, इसी तरीके से आप भी स्पेशल प्रोडक्ट को मंगाकर अपनी फेशियल किट तैयार कर सकते हैं। नॉर्मली वैसे 5 और 6 स्टेप में ही फेशियल आते हैं, तो ये भी 5 स्टेप का फेशियल बैठता है। आप चाहे तो इसको 4 स्टेप में भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसका ये सीरम भी इसके अलग से ऐड किया है जिससे कि मुझे इसका और भी अच्छे रिजल्ट मिले। तो ये जो फेशियल किट है, ये गुड वाइब्स की रोज हिप फेशियल किट है, क्योंकि गुड वाइब्स के प्रोडक्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैंने गुड वाइब्स के काफी सारे प्रोडक्ट खरीद कर यूज किए हुए हैं, रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है। इसी तरीके से इस फेशियल किट का भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक तो ये सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ तैयार किए गए हैं। इसमें रोज हिप ऑयल है, आर्गन ऑयल है, इसके अलावा इसमें टी ट्री ऑयल है, साथ ही इसमें कॉफी एक्सट्रैक्ट है। एसिड की बात करें तो इसमें एस्कॉर्बिक एसिड है, जो हमारी स्किन को ब्राइटन भी करता है, स्किन को लाइटन भी करता है। इसके अलावा इस फेशियल किट में ग्लाइकोलिक एसिड भी है, जिससे कि हमारी स्किन एक्सफोलिएट भी होती है और स्किन पर काफी अच्छा ग्लो भी आता है। इन प्रोडक्ट को मैंने फेशियल किट के हिसाब से मंगाए हैं। इसके 2 प्रोडक्ट और आते हैं जो कि मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। ये फेशियल क्लींजर नहीं होता है, रोज हिप ग्लो फेस वॉश दे रखा है। ये फेशियल बनता है, ये हमारे स्पेशली स्किन ग्लो फेशियल बनता है, क्योंकि रोज हिप से बना हुआ है। रोज हिप हमारी स्किन को रेडियंट और ग्लोइंग बनाता है। सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड कर दूंगी, आप जाके बाय कर सकते हैं और अपनी स्किन को ग्लोरियस बना सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली हमारा स्किन ग्लो फेशियल है। इसका फर्स्ट स्टेप फेस वॉश है। मेरे पास जो इसका फर्स्ट स्टेप है, स्किन ग्लो फेस स्क्रब है, लाइट पिंक कलर में आता है। इससे मैंने पहले भी फेशियल किया हुआ है, काफी सॉफ्ट फेशियल है, स्किन को किसी भी तरीके से इरिटेट नहीं करता है। हैंड टू हैंड मैं इसका फेशियल करके इसका डेमोंस्ट्रेशन भी दे देती हूँ। तो मेरा फेस क्लीन है बिल्कुल, अभी मैंने वॉश किया था अपना फेस, फेस पर कोई भी प्रोडक्ट मेरे फेस पर लगा हुआ नहीं है, सिर्फ हल्की सी लिपस्टिक, वो भी फेशियल करते वक्त छूट जाने वाली है। तो मैं यहाँ पर ये बैंड लगा लूंगी जो कि मेरे बच्चों के स्कूल का है, इससे मेरे हेयर सिक्योर हो जाएंगे और मुझे इरिटेट नहीं करेंगे फेशियल करते वक्त। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेप मैं करने जा रही हूँ वो स्क्रब है। थोड़ी सी क्वांटिटी में अपने फेस पर, अपने फेस के हिसाब से मैं इसकी क्वांटिटी निकाल लूंगी, जिससे कि मेरी स्किन पर अच्छी तरीके से ही अप्लाई हो जाए और इसका रिजल्ट भी अच्छी तरीके से आए। इसकी जो खुशबू है वो रोज की तरह आ रही है, जैसे रोज में आती है ना, इस तरीके से इसकी खुशबू आ रही है, जो हमारी स्किन पर काफी फ्रेशनेस भी लाती है और स्किन को सूद भी करती है। पर्पल पर गुड वाइब्स के जो सेल है वो पूरे साल चलती रहती है, कभी बाय वन गेट वन का ऑफर आता रहता है तो कभी बाय टू गेट टू का ऑफर आता रहता है, और अगर ना भी रहे तो फिर इस पर हमेशा इनके प्रोडक्ट पर डिस्काउंट तो रहता ही है। लेकिन अगर आप इसको और अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं तो इसको आप बाय वन गेट वन या बाय टू गेट टू में ही खरीदिए, जो कि आपको पर्पल पर ये इजीली मिल जाते हैं। काफी अच्छा स्क्रब है, प्रोडक्ट में शेयर बटर भी है, सारे इंग्रेडिएंट इसमें वही यूज हुए हैं जो हमारी स्किन को सर्दियों में जरूरत रहती है, वो सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किए गए हैं। इसलिए इसको ग्लो फेशियल बोला गया है, क्योंकि हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है और खास तौर से विंटर सीजन में तो हमारी स्किन पर ग्लो की जरूरत रहती है। अगर आपको ये ड्राई हो रहा है या काफी थिक हो रहा है तो आप रोज वाटर लेकर इसको अच्छी तरीके से स्लाइड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी फेशियल अगर हम कर रहे हैं तो उसको हमारे स्किन पर, हमारे हमारे फेस पर जो हमारे हैंड्स हैं वो काफी अच्छे से स्लाइड्स होने चाहिए, अंदर रिंकल वगैरह के बनने के चांस रह जाते हैं। सर्कुलर मोशन में ही इसकी मसाज देनी है, क्योंकि डेड सेल्स हमारे सर्कुलर मसाज से काफी अच्छे तरीके से रिमूव होते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, रिजल्ट आप देख सकते हैं इसके।
ग्लो फेशियल है तो काफ़ी अच्छे से ग्लो भी आ रहा है, स्क्रब से ही काफ़ी अच्छा ग्लो आ रहा है मेरे स्किन पर। आपके पास पूरे फेशियल करने का टाइम कम है तो हफ्ते में 1 से 2 बार स्क्रबिंग भी कर सकते हैं, तो रिजल्ट आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट खाली स्क्रब मैंने किया है, स्किन कितनी स्मूथ और कितनी अच्छी हो गई है। सेकेंड स्टेप में मैं इसका हाइड्रेटिंग जेल यूज़ करूँगी, मैंने पहले भी यूज़ किए हुए हैं, पिंक कलर में ही इसके जेल हैं, इतनी प्यारी रोज़ की खुशबू है कि इसको ऐसा मन कर रहा है इसको सुनते रहो। किसी फेशियल में क्रीम के बाद जेल यूज़ किया जाता है, किसी में क्रीम से पहले जेल यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं ज़्यादातर क्रीम से पहले ही फेस मसाज जेल अप्लाई करना पसंद करती हूँ। क्रीम से पहले अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन को अच्छी तरीके से ये हाइड्रेट कर देता है, क्योंकि क्रीम से लाइट होता है, इसलिए मैं इसे क्रीम से पहले अप्लाई करना पसंद करती हूँ। इस जेल को मैं अपनी स्किन में अच्छी तरीके से पेनिट्रेट करा दूंगी मसाज करके, क्योंकि हाइड्रेटिंग जेल है तो इससे हमारा फेस काफी अच्छी तरीके से हाइड्रेट हो जाएगा। नेक वगैरह पर भी अच्छी तरीके से इसकी मसाज दे देंगे। इसकी भी मसाज आपको 10 मिनट अपने फेस पर करनी है, अच्छी तरीके से इसको पेनिट्रेट कराना है, क्योंकि ये वाटर बेस्ड होता है और आसानी से पेनिट्रेट हो जाता है। क्रीम और जेल में हम स्किन टाइटनिंग मसाज देते हैं, जिससे कि हमारी स्किन में अच्छी तरीके से पेनिट्रेट होकर टाइट भी रखे। इसकी हमें एंड्राइज और आइज पर भी मसाज देनी है। जेल से हमारी स्किन को काफ़ी कूलिंग इफेक्ट मिलता है और स्किन काफ़ी अच्छे से प्लम्पी भी होने लगती है। एक्सेस जेल है, मैं इसको रिमूव कर दूंगी। एक ही बार की एप्लीकेशन में इसका रिजल्ट काफी अच्छा आ जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ऑलर्स अगर हम फेशियल कराते हैं तो हमारी स्किन पर सूट नहीं करता है या कोई रिजल्ट खासा नजर नहीं आता है, महंगे फेशियल कराकर भी हमारे फेस पर कोई भी रिजल्ट नहीं आता है, तो आप इस फेशियल को विंटर सीजन में करके अपनी स्किन पर काफी अच्छे से ग्लो भी ला सकते हैं और अपनी स्किन को ब्राइटन भी कर सकते हैं। अब जो हमारा थर्ड स्टेप होने वाला है वो हमारी क्रीम से मसाज होगी। इसकी जो क्रीम है वो मॉइस्चर रिच है, इसमें मॉइस्चर काफी अच्छा है जो हमारी स्किन को काफी अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करेगा, और विंटर सीजन में वो बहुत जरूरी है, हर स्किन पर मॉइस्चराइजेशन की जरूरत पड़ती है। इसकी क्रीम भी पिंक कलर की है, ऑल प्रोडक्ट इसके पिंक ही कलर के हैं। अब इस स्टेज पर अगर आप सिर्फ क्रीम से ही मसाज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर गुड वाइब्स का रोज ही फेस सीरम लिया है, जो कि हमारी स्किन को रेडिएंट और ग्लो बनाता है। फेस की ग्लो के लिए और रेडिएंट के लिए ये सीरम बनाया गया है, जो हमारे फेस को ग्लो प्रोवाइड करता है। तो इसी क्रीम के साथ मैं इसकी 3 से 4 ड्रॉप अपने फेस पर डालूंगी और इसी में ही मिक्स करके अपनी क्रीम की मसाज दूंगी। इससे फेस सीरम को आप जरूर खरीदिएगा। इस फेस सीरम को अगर आप नाइट में भी अपने फेस पर लगाकर सोएंगे ना तो काफी अच्छा आपकी स्किन ग्लो करेगी। इसके भी स्ट्रोक हमें स्किन टाइटनिंग वाले करने हैं, अपवर्ड मोशन में इसके मसाज देने होते हैं, जिससे कि हमारी स्किन टाइट भी बनी रहे। अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप इसकी 10 से 15 मिनट मसाज दे सकते हैं। तो इसकी मसाज करके मैं आती हूँ, फिर इसका रिजल्ट आपको दिखाती हूँ और फिर नेक्स्ट स्टेप की एप्लीकेशन करूंगी। अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो गई है, मैंने अपने आईज पर भी अच्छी तरीके से मसाज कर ली है, क्रीम और जेल से अच्छी तरह से अपने आईज पर भी अच्छी तरह से मसाज कर लिया करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम फेशियल आईज पर मसाज नहीं देते हैं, जिससे कि हमारे फेशियल के बाद हमारे जो आईज हैं और डार्क सर्कल है वो काफी ज्यादा एनहेंस हो जाते हैं। एक्सेस क्रीम को मैं रिमूव कर दूंगी। जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो मास्क है, जो बहुत ज़रूरी है, हर फेशियल में मास्क का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पोर्स जो ओपन हो जाते हैं उनको क्लोज कर देता है, हमारी स्किन को टाइट करता है। इसका जो कलर है वो काफ़ी डार्क पिंक है, ये भी स्किन ग्लो मास्क है जो हमारी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इनमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो सारे ही हमारे स्किन को ग्लो प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी अच्छे प्राइस में ही हमारी फेशियल किट बन जाती है और हमारी स्किन को किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं पहुँचाती है। आप चाहे तो इसको ब्रश पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको पूरे फेस पर मैं अप्लाई कर लूँगी और इसको ड्राई होने तक, जब तक ये ड्राई होता है 10 से 15 मिनट में ये अच्छी तरीके से हमारे स्किन में ड्राई हो जाएगा। मास्क मेरा अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है, इसको मैं क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। अपने फेस को अच्छी तरीके से ड्राई कर लूँगी, उसके बाद ही मैं अपना नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करूँगी। फेस मैंने अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं स्किन नीट एंड क्लीन हो गई है, साथ ही स्किन पर काफी अच्छा ग्लो भी आ गया है, फेस अच्छी तरीके से एक्सफोलिएट भी हो गया है। फेस मास्क के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप या लास्ट स्टेप होता है वो स्किन को मॉइस्चराइज करना होता है, इसलिए मैं यहाँ पर गुड वाइब्स का ये रोज हिप सीरम अप्लाई कर रही हूँ। इस सीरम को आप डेली नाइट रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं, 4 से 5 ड्रॉप अपने फेस पर डालकर इसकी अच्छी तरीके से
हल्के हाथों से इसकी मसाज करके इसको छोड़ दूंगी पूरी रात के लिए, तो इसका हमें रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा। आईज पर और अंडर आईज पर भी अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। अल्लाह हाफिज।